दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है जो सेम टू सेम पॉपकॉर्न जैसा दिखता है? और क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो कॉकरोच होते हैं ये लोगों के कानों में क्यों घुस जाते हैं सोते वक्त? और क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप श्रीलंका में हाथियों को मारते हो तो आपको फांसी की सजा भी हो सकती है? इस वीडियो में आप ऐसे ही फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 15, आपको तो पता ही होगा कि जो जानवर होते हैं, स्पेशली जो ब्यूटीफुल जानवर होते हैं या फिर जिनसे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बनाया जाता है, वो बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि जो इंडिया का गोल्डन टाइगर है ना, वो एक प्राइड की बात तो है ही, लेकिन ये कंसर्न भी है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि अभी इस टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 रह गया है। मतलब सोचो, किसी प्रजाति का पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30 है, जो कि बहुत ही कम है। तो इसलिए जो 30 बच्चे भी हैं ना, उनको अच्छे से प्रिजर्व किया जा रहा है, ताकि उनके जो बच्चा हो और उनके बच्चे से जो बच्चे हो, ऐसे कम से कम उनका पॉपुलेशन जो है एटलीस्ट 0 ना हो। फैक्ट नंबर 14, मैं आपको आईसाइट के बारे में एक अमेजिंग सा फैक्ट बता दूं। जैसे आपने ये सुना होगा कि जो चील होती है, जो आसमान में उड़ती है, वो पूरे नीचे तक देख पाती है, वो भी पूरे डिटेल में। तो जी हाँ, ये ट्रू है। अगर चील बहुत ऊपर आसमान में उड़ रही है तो एकदम नीचे वो एक छोटे से चूहे तक को देख पाएगी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। हम इंसान थोड़े ऊपर से जमीन को कुछ ऐसे देखते हैं, लेकिन ये जो ईगल होते हैं, ये उड़ने वाले ईगल, ये देखो एक छोटे से चूहे तक को आराम से देख लेती है। और हम ह्यूमन थोड़े ऊपर से रोड को कुछ ऐसे देखते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। बट जो पिजियंस होते हैं, ये उड़ने वाले पिजियंस, ये रोड के एक एक डिटेल कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उनको देख पाते हैं डिटेल में, पूरा जूम स्टेट में। और एक अमेजिंग सा ये देखो, ह्यूमन हम ऐसे देखते हैं और काउस जो है वो ऐसे देखते हैं, उनका साइड कुछ ऐसा होता है। और इधर देखो, हमारा नॉर्मल आई साइड और राइट साइड में स्नेक्स का आई साइड, देखो वो रेड रेड दो ऐसे जगह है जहाँ पे हीट ज्यादा है, तो उनका आँख काइंड ऑफ हीटेड जगहों को स्पोर्ट कर पाता है, और ऐसे ही वो चूहा और बाकी चीजों पे प्रे करता है। फैक्ट नंबर 13, ऑक्टोपस का एग जो होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ऑक्टोपस के एग को अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, लिटरली ट्रांसपेरेंट होता है और दिखता है कि ऑक्टोपस उसमें है, एंड यही निकलकर जन्म लेता है। इनका एग जो होता है वो नेचर का सबसे अमेजिंग एग्स में से एक है। फैक्ट नंबर 12, एक तरह का बैट फिलीपींस में स्पॉट किया गया था जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसका जो विंग स्पैन है वो 6 फीट यानी 6 फीट तक था। लोग सोचने लगे कि ये कौन सा बैट है, तो असल में इतने बड़े बड़े चमगादड़ भी होते हैं जिसका जो विंग स्पैन है वो 6 फीट होता है, एंड इसे कहते हैं गोल्डन क्रोनेट फ्लाइंग फॉक्स। एंड इसके अभी 3 सब स्पीशीज को पाया गया है, 3 जिसमें से एक एक्सटिंक्ट हो गया है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो नेचर ने हाथी यानी एलिफेंट का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया है वो ऐसे बनाया है, मतलब वो वेट को कैरी करने के लिए नहीं मेंट है। इसका मतलब नेचर ने इस तरह नहीं बनाया है कि आप उस पर वेट कैरी कर सको, एंड इसीलिए हाथी कुछ सालों में ही डिफॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू ब्रोकन बोन, जिनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। बट अगर हम लोग घोड़े को लेते तो नेचर ने उसे इस तरह ही बनाया है ताकि वो तेज भाग सके लोड कैरी करके, बट हाथी उसके लिए टेक्निकली एंड नेचरकली अगर उसे कहे तो नहीं बनाया गया है। एंड जो टूरिस्ट होते हैं एंड जो ट्रैवल में जो देखते हो आप, जैसे लोग उस पर बैठ के घूम रहे हैं, तो ये तो एक एंगल से ठीक है, लेकिन अगर नेचर की बात करें एंड इसके बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो उसके लिए नहीं बना है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि नेचर में कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो कि अपने नेस्ट को ना बहुत ही यूनिक तरीके से बनाती है? क्या है कि नेचर में हर पेरेंट, चाहे वो बर्ड पेरेंट हो, वो ये चाहती है कि उनका बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो वो एक ऐसा नेस्ट बनाते हैं जिसमें कि 2 ओपनिंग होते हैं, एक रियल वाला और एक फेक वाला। जो फेक वाला होता है वो ज़्यादा बड़ा ओपनिंग होता है, जिसमें अगर कोई सांप या कोई भी खाने वाला जीव आके उस पर हमला करे तो उसे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि रियल में देखो ये कैसे बंद है एंड एक्चुअल ओपनिंग कहीं और ही है। तो ऐसा बहुत सारे चिड़ियों के प्रजाति करते हैं जो कि अपने बच्चे को सिक्योर रखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 9, प्लांट हॉपर नाम का एक बग होता है, एक कीड़ा। अगर हम लोग एक पॉपकॉर्न को ले लें और उसके बगल में ये कीड़ा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम दिखता है। ये प्लांट हॉपर ये दुनिया का सबसे अजीब कीड़ों में से एक है।
फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ताइवान में एक अजीब सा रेस्टोरेंट है जो दुनिया के सबसे अजीब रेस्टोरेंट में से एक है। इसमें आपको खाने को कुछ ऐसे टॉयलेट जैसे दिखने वाले प्लेट्स में परोसा जाता है और यहाँ का खाना भी कुछ ऐसा ही दिखता है। और ये देखो, बैठने के लिए जो चेयर है वो तो पूरा ही टॉयलेट है। ओह माय गॉड। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है शार्क मछली, इतने बड़े बड़े शार्क मछली जो होते हैं उनके अंदर बोन्स यानी हड्डी नहीं होता है, और जब वो मरते हैं ना तो आपको यकीन नहीं होगा, वो मरते हैं तो समुद्र पूरी तरह से उनके बॉडी को गला देता है, डिसअपीयर हो जाता है। मतलब मान लो एक बड़ा सा शार्क है और वो मर गया तो समुद्र में आपको पता है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि हड्डी नहीं होता है इसलिए पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, खाली उसका दांत जो है वो बचेगा, बाकी उसका पूरा बॉडी गल जाएगा मरने के बाद। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है उसमें इतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है कि अगर कोई तरीका होता ना कि हमारे दिमाग से जो बिजली उत्पन्न हो रहा है उसको अगर हम लोग बाहर एक्सट्रैक्ट कर पाते और कुछ लाइट वाइट जला पाते तो रियली में मैथमेटिकली इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि अगर हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल पाए किसी तार की मदद से और उसको बल्ब में कनेक्ट कर दे, मतलब हाइपोथेटिकली रियली भले पॉसिबल ना हो, ऐसा अगर कर पाए तो वो लाइट बल्ब रियली में जल उठेगा, वो भी फुल्ली। इतना इलेक्ट्रिसिटी हर सेकेंड आपके ब्रेन में पैदा होता है, एंड ब्रेन में 100 बिलियन माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स। अगर आप एक एक न्यूरॉन्स को काउंट करने बैठे गिनने लगो तो आपको पता है कि 3000 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएंगे सबको कंप्लीट करने में, क्योंकि 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स है आपके ब्रेन में। फैक्ट नंबर 5, परफ्यूम या फिर कोलोन जो होता है वो भी एक्चुअली में बहुत टाइप के होते हैं। तो आपको पता है परफ्यूम जो होता है, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है परफ्यूम, ये उसको कहा जाता है जिसमें कि जो सुगंध वाला पार्ट है, जो केमिकल्स उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 20-30% रहता है, इसको परफ्यूम कहते हैं। ये सबसे एक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग होता है। और दूसरा होता है EAUD परफ्यूम, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बस 15-20% तक के बीच में ही होता है, जो सिर्फ 6-8 घंटे लास्ट करता है। और तीसरा आता है EAUD टॉयलेट, और इसमें 5-15% ही होता है वो जो कि सुगंध देता है उसका कंसंट्रेशन, और ये 2-4 घंटे तक रहता है। उसके बाद आता है कोलोन, जिसका कंसंट्रेशन बस 1-2% ही होता है और ये बस 1-2 घंटे लास्ट करता है। फैक्ट नंबर 4, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें एक तरह के कार्ड आते हैं बहुत यूनिक तरह का, जिनको मैट ब्लैक कार्ड कहते हैं, एंड ये ऐसा कार्ड है जो कि आपके सामने वाला जो है वो इसको नहीं देख पाएगा कि आपके पास कौन सा कार्ड है। जब तक कोई इस कार्ड को सामने से डायरेक्टली नहीं देखता तब तक उसका रियल कंटेंट समझ नहीं आएगा। मतलब अगर कोई साइड से देख रहा होगा इस कार्ड को तब वो कुछ ऐसा दिखेगा पूरा ब्लैक, एंड उसको समझ नहीं आएगा, इसको डायरेक्टली देखने पे दिखेगा, और अगर आप इसको कहीं भी किसी और एंगल से देखते हो तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, पूरा ब्लैक होगा। फैक्ट नंबर 3, आपने द मैट्रिक्स मूवी के बारे में तो जरूर सुना होगा, एंड मैट्रिक्स मूवी में जो बैकग्राउंड में ये कोड चलते रहता है, ये इसके बारे में तो आप लोग में से कुछ लोग जरूर अवेयर होंगे, एंड असल में ये बहुत डीप चीज़ है। इसे बहुत लोग समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग को डिपेक्ट करता है, बट ये असल में कुछ नहीं बल्कि सुशी का रेसिपी है जापानीज में। एंड द मैट्रिक्स के प्रोडक्शन डिजाइनर सीमन विटले ने खुद इस बात को कहा है एक इंटरव्यू में, इन्होंने अपने वाइफ के जापानीज कुक बुक्स में सुशी का रेसिपी निकाला, एंड ये असल में वो एक नॉर्मल सा रेसिपी है, बट मूवी में ये कितना कूल लगता है कि कुछ रैंडम सा डिजिट एंड कुछ मिस्टीरियस सा फॉल हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी से श्रीलंका में जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो 65% तक गिर गया है, एंड ये एक बहुत ही बुरी बात है हाथी का पॉपुलेशन। लेकिन इसी को बचाने के लिए वहाँ एक श्रीलंकन लॉ है जो कि एक ऐसा लॉ है जो कि आप यकीन नहीं करोगे। अगर आप श्रीलंका में किसी भी हाथी को मारते हो तो उसके लिए आपको मौत की सज़ा मिलती है, ये वहाँ का एक लॉ है। ये सीरियस लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ का जो एलिफेंट पॉपुलेशन है वो सस्टेंट हो पाए। तो अगर कोई एलिफेंट को इंटेंसली किल करता है तो उसको डेथ फेस करना पड़ सकता है वहाँ पे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सुना है कि अक्सर लोगों के कानों में कॉकरोच या कॉकरोच का बच्चा अंदर चला जाता है? ये असल में इसलिए होता है, इसका साइंटिफिक कारण जानो कि आप
आपके कान के अंदर से जो स्मेल आता है भले ही हमारे लिए गंदा हो, लेकिन कॉकरोच के लिए बिल्कुल भी एक नशे की तरह होता है। मतलब बहुत अट्रैक्टिव होता है। हमारा जो ईयर वैक्स होता है वो ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसके चलते कॉकरोच अट्रैक्ट होते हैं, मदहोश होते हैं, एंड इसी के चलते कॉकरोचेस जो है वो लोगों के कानों में घुस जाता है। साइंटिस्ट को अभी तक यही पता चला है कि आपका कान कॉकरोच के लिए हेवन है। तो ये था आज के कुछ अमेजिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो पुराने हो जाओ सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।